Hello children, welcome to class 3 EVS and our today's topic is water cycle. So let's look into our books. Yes children, so water cycle. Rain is the main source of water. Water cycle mein main source kya hai? Pani hai of course. Rain water falls into rivers, oceans, lakes and ponds. Ab ye barish ka pani kahan kahan girta hai? Nadiyon mein, समुद्र में, झीलों में और तालाबों में. दिस वॉटर चेंजेस इंटू वॉटर वेपर. और ये पानी किस में बदल जाता है? वॉटर वेपर में, बाफ में बदल जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. और ये बाफ में क्यों बदल जाता है? सूरज की तेज गर्मी की वजह से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. और ये जो पानी बाफ बन के ऊपर धुआं धुआं सा जो दिखता है ना हमें, उड़ने लगता है, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो. आपकी मम्मी को बोलना गर्म पानी उबाले गैस के ऊपर और फिर उस गर्म पानी को आप देखना ऊपर वो उड़ता हुआ बाफ बन के नजर आएगा आपको, ऊपर धुआं धुआं सा नजर आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन. द वॉटर वेपर दस फॉर्म्ड बींग वार्मर राइजेज अप. गर्म होने पर पानी क्या होता है? बाफ बनकर ऊपर उड़ने लगता है. When water vapor goes up in the sky, और जब ये बाफ बनकर ऊपर आसमान में जाता है, it comes in contact with the cold air. ये किससे संपर्क में आता है? ठंडी हवा के संपर्क में आता है. And cools down. और फिर क्या होता है? ये ठंडा होने लगता है. तो अब ये जो पानी हमने उबाला था गैस पे भगोने के अंदर, वो ऊपर बाफ बन के उड़ने लगा. तो उसको उड़ने तो लगा वो, लेकिन अब हम उसके ऊपर क्या रख देंगे? एक ठंडा कोई और बर्तन रख देंगे जिसके अंदर आइस क्यूब्स होंगी. आप उसके अंदर आइस क्यूब्स रखना. तो जब वो गर्म बाफ उस आइस क्यूब से टकराएंगी, बर्तन से नीचे टकराएंगी, आइस क्यूब तो ऊपर है, तो क्या होगा आगे देखते हैं. ऑन कूलिंग वॉटर वेपर फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर. जब वो गर्म बाफ उस बर्तन से टकराई तो वो ठंडी हो गई. और ठंडी होने पे क्या हुआ? वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर, वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गई, बदल गई उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदों में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और ये जो पानी की बूंदों में बदलना होता है उस बाफ का, ये क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाता है. दीज ड्रॉप्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म क्लाउड्स. और आसमान में क्या होता है? ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाती है ये पानी की बूंदे. और फिर उससे धीरे धीरे क्या बनने लगता है? एक बादल बन जाता है जिसको हम क्लाउड बोलते हैं. द वॉटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फर्दर इंक्रीज इन साइज एंड बिकम हेवी. और ये पानी की बूंदे ऊपर आसमान में अपना साइज बड़ा करती जाती है. और क्या होती है? बड़ा हो जाती है तो हैवी हो जाती है, भारी भी हो जाती है. दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ. और ये फिर हमारी धरती पर किस तरह से आती है? या तो बारिश के रूप में वापस नीचे गिरने लगती है या बर्फ की तरह नीचे हमारी पृथ्वी पर गिरने लगती है. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो वो जो पानी की बूंदे बर्तन के ऊपर जो जमा हुई थी, जिसके ऊपर हमने आइस क्यूब्स रखी हुई थी, है ना, उनका क्या हुआ? वो भारी हो गई. हम उसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे क्या होगा. वो पानी की बूंदे नीचे गिरने लगेंगी उस बर्तन से, तो वो क्या कहलाया? प्रेसिपिटेशन. दिस रेन वाटर फॉल्स बैक इनटू द वाटर बॉडीज एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन. और फिर ये जो बारिश का पानी होता है, फिर से पानी की जो है हमारे सोर्स, कौन कौन से है पानी के सोर्स हमारे, ऊपर पढ़ा था ना हमने, रिवर्स, ओशंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इसमें जाकर के ये पानी की बूंदे बारिश की तरह गिर जाती हैं. एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन. और फिर ये वाली जो साइकिल है हमारी, ये जो आप ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? पहले पानी है यहाँ पे, फिर ये पानी बाफ बनकर ऊपर उठ जाता है, इवेपोरेशन कहलाता है ये. फिर ये इवेपोरेशन ऊपर पानी की बूंदों में इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर,
और ये क्या हो जाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और ये कंडेंसेशन फिर बादलों में बदल जाता है जब इसका साइज बड़ा हो जाता है। फिर इन बादलों में पानी रुक नहीं पाता, बादलों में पानी नहीं रुक पाता वो, क्योंकि भारी हो जाती है ना बूंदी, उनके साइज भी बड़ी हो जाती है। तो फिर वो बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरने लगती है, या तो बारिश बन के नीचे गिर जाती है या स्नो बन के नीचे गिर जाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा प्रेसिपिटेशन। और फिर से ये वापस उसी तरह हमारे मेन सोर्सेज ऑफ वाटर जो है उसमें आके गिर जाती है। तो दिस साइकिल कंटिन्यूज, ठीक है। तो दिस रेन वाटर फॉल्स बैक इन टू द वाटर बॉडीज एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म्स कंटिन्यूसली इज नोन एज द वाटर साइकिल। और ये प्रोसेस जो है, ये जो साइकिल है हमारी, क्या कहलाती है, वाटर साइकिल। ओके, तो ये वाटर साइकिल हमें आसानी से कहाँ देखने को मिल सकती है, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा लगाए हुए हो। जहां पे पेड़ पौधे होते हैं वहां से क्या होता है, पेड़ों से भी बारिश हो सकती है ना, होती ही है। इसीलिए तो हम बोलते हैं वृक्ष लगाओ, वृक्षारोपण करो। तो उस पेड़ों से क्या होता है, वो भी पानी छोड़ती हैं, उनकी पत्तियां भी, तो वो भी बाफ बन के उड़ने लगती हैं, और फिर वापस यही प्रोसेस चालू हो जाता है हमारा। तो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे, जहां पर पेड़ होंगे वहां पे बारिश ज्यादा होगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव फॉलोड ऑल व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। ओके, see you tomorrow in the next video. Bye-bye.